पूरी पूरी करिएगा बात, मेरा इंटरजेक्शन भी सुन लीजिए। आपको लगता है पांच बच्चे पैदा करना इस देश के हित में है, हिंदू समाज के हित में है? आपको लगता है इस पर विमर्श होना चाहिए कि पांच बच्चे पैदा करें या नहीं? आपने हमारी बात को तोड़ मरोड़ दिया। दूसरी बात आपने कहा, सुनिए आपने क्या कहा, आपने कहा इस पर विमर्श होना चाहिए कि पांच बच्चे पैदा करें या नहीं, आपने यही कहा ना सर? आप क्या वाकई आपको लगता है विमर्श की जरूरत है इस पर, विमर्श होना चाहिए? सुमैरा जी, थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। मुस्लिम आबादी जहां जहां भी बढ़ती है वहां वहां पर जिहादी मानसिकता खड़ी होती है, सेपरेटिस्ट मानसिकता खड़ी होती है। सब मुसलमान क्या जिहादी हैं? सुन लीजिए मैं, क्या सब मुसलमान जिहादी हैं? सारे सुन लीजिए मेरी बात, आप बात तो सुनेंगे या मुसलमान जिहादी हैं? अरे फिर या तो आप कहिए, मैं डिबेट में रहूं नहीं। संगीत रागी जी, आप सिर्फ अकेले नहीं बोल सकते ना, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आप बोलते रहिए, बोल सकते तो आप अपने आप से बोल लीजिए। आप बोल रही हैं तो आप उसका उत्तर तो दे लेने दीजिए पूरी तरीके से। मेरा सवाल है, आप दीजिए उत्तर। हाँ हम दे रहे हैं, आप बीच में टुभुक पड़ रही हैं और फिर कह रही हैं आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैं आपके सवाल का ही तो उत्तर दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था कि हम साथ नहीं रख सकते? 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोप दिया। क्या देश का विभाजन होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है देश में? सुन लीजिए मेरी बात, यदि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है तो इस देश के लिए खतरे हैं। पश्चिम बंगाल में खतरे हैं, आसाम में खतरे हैं, बिहार में खतरे हैं, उत्तर प्रदेश में खतरे हैं। देश कोई बोलता है तो इसमें कौन सी गलत बात? देश की जनसंख्या बढ़ने से देश के लिए खतरा है या देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए? ये तर्क किनके लिए खड़ा किया था? जिन लोगों ने शाहीन बाग खड़ा किया था वो किनके लिए खड़ा किया था? ताकि मुसलमानों की जनसंख्या जो गलत तरीके से आ गई है उसको भी लेजिटिमाइज करने के लिए खड़ा किया गया था। अंतिम बात सुन लीजिए मैंने बहुत सुना है, पहले हाँ। सुन लीजिए, वो हो सकता है कि पांच बच्चे छह बच्चे करने, अरे जाकर के उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं सवाल करते हैं? चार बच्चे मुसलमान नहीं पैदा करें, चार महिलाओं से शादी नहीं करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं? इस पर तो आपको लगता है कि ना यार, मेरे तो शरीयत में घुस जा रहे हैं, इस्लाम अमेरिका में खतरे में नहीं पड़ता है। अच्छा, आपने संगीत रागी जी आपने अपनी बात रखी। राष्ट्रपिता के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, एक बार नहीं, हरिद्वार से कहा गया, उसके बाद एक और जगह से रायपुर से ये बात कही गई, उसके बाद यहाँ, राष्ट्रपिता क्यों बार बार इस तरह सामने आते हैं और क्यों बार बार राष्ट्रपिता के नाम को लेकर, महात्मा गांधी के नाम को लेकर वो किस तरह से इस तरह के विवाद में उनका नाम घसीटा जाता है और क्यों, ये क्या सोच है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यदि आपने गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ा होता ना, और इस देश के पत्रकार लोग पढ़े होते और बौद्धिक भर पढ़े होते तो ये सवाल खड़े नहीं करते। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा और कहा कि भारत एक पुराना राष्ट्र है, वो 1947 का राष्ट्र नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे जिन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर खड़ा किया, सेतु रामेश्वरम खड़े किए, मठों की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की, ये गांधी का हिंद स्वराज है। और दूसरी उन्होंने कहा ये प्राचीन राष्ट्र था, एक राष्ट्र था, यही कारण है कि ब्रिटिश एक अंपायर खड़े कर गए। तो फिर राष्ट्रपिता का अपमान क्यों? ये प्राचीन राष्ट्र है, जब ये प्राचीन राष्ट्र है तो राष्ट्र का निर्माता गांधी कैसे हो सकते हैं? फिर महात्मा गांधी का अपमान क्यों? बुद्धि कर लिया कीजिए आप लोग। नहीं, महात्मा गांधी का अपमान कर क्यों बार बार उनका अपमान किया जाता है? बिल्कुल अपमान नहीं है। रायपुर में उनको गाली दी जाती है भरे मंच से, क्या ऐसा नहीं होता? आपकी बुद्धि का ये दोष है, आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ये दोष है। संगीत रागी जी, हो सकता है मेरी बुद्धि का दोष हो, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है, वो मैंने नहीं किया है। महात्मा गांधी पर जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, वो आपत्तिजनक आपको नहीं लगता? अरे भाई, क्या इसमें आपत्ति दर्ज है कि वो राष्ट्रपिता नहीं है? ये विमर्श का विषय नहीं, मैं तो आपसे, सब कुछ विमर्श का विषय है, लेकिन उसके लिए किसी का अपमान करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन बार बार मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ, गांधी जी क्यों केंद्र में आ जाते हैं? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।